हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक राइड होने जा रही है भानगढ़ फोर्ट एंड नारायणी माता। होपफुली मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरा व्यू दिखा पाऊँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भानगढ़ फोर्ट थोड़ा बड़ा है व्लॉग एक व्लॉग में डालने के लिए, और व्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं भानगढ़ के दो पार्ट और नारायणी माता का एक पार्ट करूँगा। तो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो वो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। राइड ऑन है और मैं हाईवे पे हूँ। तो मैं रास्ता थोड़ा बता देता हूँ, दो रास्ते जाते हैं भानगढ़ के लिए। एक रास्ता आपको मिलेगा यहाँ से होके गाँव से होकर, और एक थोड़ा लंबा रास्ता है, थोड़ा लंबा रूट है लेकिन अच्छा रास्ता है हाईवे पुल। जैसे यहाँ से जयपुर से दो साल से पहले आपको लेफ्ट साइड में कट लेना है, फिर वो भानगढ़ के लिए निकल जाएगा। तो प्रेफर यही करना, अगर आप जयपुर से भानगढ़ जाओ तो आप हमेशा वही रूट पकड़ो, दौसा वाला। भानगी वाला रूट इतना फास्ट भी नहीं है, प्लस भी थोड़ी बम्स भी ज़्यादा है, पोर्ट होल्स भी वैसे थोड़े। तो जैसा कि केवल 12 किलोमीटर रह गया है, 12 किलोमीटर रह गया है भानगढ़, और आप ये नज़ारे देख सकते हैं। I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I'd stay on the go. I can to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. They're not double up again under their nose. None of them cold, they just got lucky, lucky but... मैं क्या ही बताऊँ, कैमरा बंद करने का मन ही नहीं हो रहा। सीन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तू भी क्यूट लग रही है ना। तो सीन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, कैमरा बंद करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही। पहाड़ वादियाँ, जस्ट लाइक मुझे जिस टाइप की रोड पसंद है उसी टाइप की रोड है। कर्ज होते तो क्या ही कहने, लेकिन हाँ चलो ठीक है, वादियाँ पहाड़ जंगल पर्सनल फेवरेट। तो भानगढ़ पहुँच चुके हैं और पार्किंग यहीं पे है, साइड में सब पार्किंग मिल जाएगी आपको। यहाँ बंदे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और किला सामने है है ना। बंदर बंदर देखो, पहली एंट्रेंस है और सामने टिकट काउंटर, बंदर पहरा दे रहा है, पता नहीं क्यों पहरा दे रहा है। ये आपको सामने मिल जाएगा, राइट साइड में पता नहीं क्या है, पेड़ है, सब बंजर बंजर, जो देखना है वो अंदर दिखाते हैं। तो एंट्रेंस के जस्ट राइट में मंदिर है, यहाँ पे सवामणि वामणि होती है, अगर कोई सवामणि करता है तो यहीं पे होती है। और इसको व्लॉग में आना नहीं है आज, ऐसा मूड अलग चल रहा है। सो एंट्रेंस टिकट कटवाने के बाद ये कुछ मिल जाएगा आपको साइड में, खंडर जैसा भानगढ़ को बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो गया था उस कारणवश ये खंडर जैसा है, हरियाली है फिलहाल। तो किले के अंदर आ चुके हैं और ये थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं किले के। जैसे आप एंट्री लोगे तो लेफ्ट साइड में कई सारे बरगद के पेड़ हैं, सॉरी बरगद के पेड़ हैं एंड खंडर ही खंडर है। अब थोड़ा ये आपको हिस्ट्री कौन बताएगी। तो ये शायद भानगढ़ का किला 1573 में बना था है ना, और इतना धीरे बोलेगी तो कैसे काम चलेगा। 1573 बना दे, सही कह रही है, 300 साल तक आबाद है, उसके बाद में कई सारे राजाओं ने इस पर कर करा के ये सब काम कर लिया। अब ये आपको इसी स्टोरी बताएगी कि ये ऐसा कैसे हुआ, मतलब ये सिटी थी अच्छी खासी जो छत के बिना कैसे हो गई। बहुत साल पहले वही 300 गंतवंत राजा ने कोई अपना बसाया था यहाँ पे, तो उनकी एक सुंदर सी राजकुमारी थी। अच्छा, सुंदर सी राजकुमारी थी। हाँ, बहुत सुंदर थी, तो वैसे बाजारों में घूमा करती थी, उसे परफ्यूम इत्र बोलते जिसे हिंदी में, तो बहुत शौक था इत्र का। तो
तो वो इतने लेने जाती थी, तो एक तांत्रिक बाबा था जो यहीं इसी गांव में रहता था शायद, क्या नाम था, है ना, सेवर्ड, काफी काफी नाम दूर है, छोड़ नाम नहीं जाना किसी को, तो बता देता हूँ रानी को इतने, वैसे लड़की इतने लगाती है सब जानते हैं, सेंट जिसे कहते हैं था शायद। हाँ, डिओडोरेंट, तो सेवर्ड सो मोहित हो गया था है ना, तांत्रिक, मेरे को लिया ठीक इसमें। है ले लिया। तो क्या हुआ था कि वो टेस्ट कर रही थी एक नया इत्र, तो उसने देख लिया, वो मोहित हो गया उसके ऊपर, प्रेम वेम कर बैठा, फिर हाँ, उसने तो एक दिन इत्र के अंदर ही जादू टोना कर जादू दिया था जहाँ टोना से कर वो दिया, लेती थी। सम्मोहन वाला जादू गया, जिससे मतलब हाँ उसके हिप्नोटाइज जिसको कहोगे आप इंग्लिश में, हाँ पर फिर तो राजकुमारी को पता लग गया, तो आज उसका जो कल जादू था वो उस पर उल्टा पड़ गया, तो वो मर अच्छा गया इस वजह ठीक है से। छोड़। जो राजकुमार पता लग गया, राजकुमार ने क्या किया, उसको उठा के उसके किले के बाहर एक पत्थर था उस पर दे मारा, इतना सारा पत्थर के ऊपर गिर गया, और श्राप तो श्राप था उसका पाखंडी बाबा का कि है तुम्हारा ना, महल जो भी है तुम्हारे खंडर हो जाएंगे। ये बोरिंग है इसको छोड़ो। तो क्या किया, वो उस पत्थर पे गिरा, पत्थर जाके वहाँ से कहते हैं कहानी है उड़ के जाके बाबा पे लगा, बाबा मर गया, लेकिन मरने से पहले बाबा ने श्राप दिया इस भानगढ़ को पूरे को, कि यहाँ का हर एक आदमी मर जाएगा, पुनर्जीवित नहीं होगा और यहीं भूत बन के घूमेगा। सो इसी कारण यहाँ पे आपने सुना होगा एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है ये, और ये रेड पहन के आई है, वैसे मैं भी रेड ही हूँ देखा जाए तो, लेकिन फिर भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है ये एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर नाम आता है इसका, क्योंकि यहाँ पे रात में अभी भी कहा जाता है कि बाजार बाजार लगता है यहाँ पे, लोग अभी भी नाच गाना वही सब होता है। एंड तो यही कुछ स्टोरी थी, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको अंदर जाके किले का लुक देते हैं, ये गेट है और ठीक है, तो ये गेट है यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ से इधर सीधे का सीधे मेन एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस गेट है, यहीं से भानगढ़ का किला चालू होता है। और आंटी जी भी पी लो, खाने चाहिए हो? पानी भी हो, राइट साइड पानी है, आज चल तो किले क्या काटा चुप क्या के जस्ट राइट में ऊपर जाके एक मंदिर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे भाई ये बैठने के लिए देखो यहाँ पे कंफर्म है शिवलिंग होगी, हवन ववन का है, शिवलिंग जो भी है, मतलब जिसको अच्छा जिसको जो अच्छा लगे वो मान लेना, यहाँ पे बैठने का है ऐसा पहाड़ी, यहाँ पे आप कलाकारी देख सकते हो, मतलब लिटरली आप कलाकारी देख सकते हो, पुराने वक्त में भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है, ये देखो कैमरा फ्रीक लोग, इनको हर टाइम कैमरे मारना मांगता है। तो मैं दिखा देता हूँ, राइट साइड गणेश जी हैं, लेफ्ट साइड कमेंट करके बताना, और ये नक्काशी है यहाँ पे एक ही बात है, तो आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से बनाया हुआ है, अंदर एक मंदिर है, मतलब हुआ करता होगा शायद, गाइड के पैसे नहीं है तो इग्नोर करना कि आपको डिटेल्स नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा। एंड ये सब पागल है, ये इनको देखो ही मत आप तो। अब मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, सो ये ऊपर का व्यू है, आप देख सकते हो पूरा सर्कल आपको येलो है, लेकिन बीच में जो है वो रेड है, कैसे लगाया होगा ये इन्होंने, कारीगरी देखिए, कारीगरी सही बात है। चलो अब मैं आपको इसका एक राउंड व्यू दे देता हूँ, तो अब ये पूरा एक सर्कल में व्यू ले लो मंदिर का, एंड आप देख सकते हो फूल वूल सब पत्थर के अंदर नकाशी करके बनाए गए हैं, कुछ टूट चुके हैं, वाओ मुंह से निकल रहा है, तो आप सोच ही सकते हो, शिट आप सोच ही सकते हो कि कितना टाइम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। एंड हाँ इसके अंदर छेद सा है कुछ, पानी चलो वानी पानी आता है? वानी आता होगा यहाँ से, आप देख सकते हो कितना शानदार है ऊपर से, वही एक बहुत एक सुंदर। सीन बहुत शानदार है, एक एक फिर सीन, से बोल, इसके डर लग रहे हैं। Thank you.
सच में काफ़ी सुंदर नज़ारा है। पेड़ दिख जाएंगे आपको। किसके पेड़ है? अच्छा, खजूर के पेड़ है ना, एंड खजूर के पेड़ है सारे। ऊपर किला है, किले किला बाद में दिखाएंगे आपको। अब आगे चलते हैं और आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे काफ़ी सारे। अच्छा है, यहाँ पे चेतावनी है, इसमें नहाने के लिए मना कर रखा है। सो ये आप कुंड देख रहे हो, ये कुंड देखने लायक नहीं है, गंदा हो चुका है फिलहाल, लेकिन अच्छा है, पानी है, मतलब बारिश नहीं है फिर भी। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में कुंड है, पानी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सोमेश्वर मंदिर। तो ये सोमेश्वर भगवान का मंदिर है। अब दर्शन करते हैं, थक चुकी है ये। यहाँ जोर जी बताओ, आलसी, चलना नहीं अंदर? चलेंगे अंदर, चलो बढ़िया। और यहाँ पे सीढ़ियाँ बड़े बंद कर रखी ऊपर जाने के लिए। मंदिर है, सो मंदिर भी दिखा देता हूँ। मेरा दोस्त पता नहीं क्या कर रहा है, किसी का कार्ड, शादी का कार्ड बनने में लग रहा है भाई, है ना। सो आप आर्ट एंड क्राफ्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छी नक्काशी है इसके ऊपर भी। और लेफ्ट साइड में जैसा भी हुआ, ये देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, काफ़ी बस ये देर का बंद है बाकी सब। सो अब मैं आपको एक और देखने की कोशिश करता हूँ, मंदिर को दिखा पाता हूँ दूर से। सो ये मंदिर है और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। वाइट मार्बल्स, रेड मार्बल्स, कोटा स्टोन जिसको कहते हैं शायद। अब ये एंट्रेंस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एंट्रेंस है और यहीं से किले की शुरुआत होती है, जो किले वाला पार्ट है। यहाँ पे वही बोर्ड लगे हुए हैं हिस्ट्री को दर्शाते हुए कि कौन क्या क्या कब क्या क्या, वो हमने आपको बता ही दिया है। दस कोई ना करो, सो हाँ, तो अब आपको दिखा देता हूँ मैं। टूरिस्ट, सामने पहाड़, जंगल, काफ़ी अच्छा व्यू। हाँ, होपफुली अगर मैं जा सकता तो, मुझे ट्रैकिंग काफ़ी पसंद है, बट कोई नहीं। अब आपको एक किला दिखा देता हूँ मैं, ये आपको मिलेगी। स्टीप क्लाइंबिंग है, पत्थर थोड़े चिकने हो चुके हैं। सो ये गेट है मानगढ़ का, एंड मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ कि गेट के अंदर क्या क्या है। सीढ़ियाँ, खंडर जैसा, और अभी एंट्रेंस है असल किले की, और यहाँ पे आपको स्मेल मिलेगी, आपको स्मेल मिलेगी सगड़ी सी, जस्ट लाइक आप समझो तो चमगादड़ की पोटी की स्मेल मिलेगी आपको, काफ़ी तगड़ी। और सो ये सब दिख रहा है।
किला है काफी अच्छा। आप अगर दूर दूर से देख सकते हो तो वहाँ पे दीवार खींची हुई है जो बाउंड्रीज बताती है कि ये किला कितना बड़ा हुआ करता था और कितना शानदार रहा होगा अपने वक्त में। एंड कुछ नीचे का नजारा अंदर मजाक बोलना। के साथ मैं भी आ चुकी हूँ और यहाँ से तो भाई नज़ारा मजा आ गया, मजा आ सही लग गया, रहा है अच्छा बहुत। लग रहा है। कितना बड़ा किला यार, तो ये आके देखना चाहिए। हाँ